इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाला जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा डिमांड में आने वाला बटर कह रहे हैं आप, बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि ये पीवी 5000 प्लस है, 5000 वाट तक आप पैनल लगा सकते हैं, ठीक है, और 3.6 किलो वाट तक आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। इसके अंदर भी बिल्ट इन वाईफाई भी है, नेट मीटिंग भी है, डबल आउटपुट भी है, और जो सबसे इसकी मेन वजह है, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड में आने की, वो ये है कि ये 24 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है, ठीक है, 6 किलो वाट का इन्वर्टर है, और ये भी उसी की तरह प्योर वोल्ट दोनों के अंदर है, और इसके अंदर भी आप जो है वो ड्यूल आउटपुट है, आपको नेट मीटिंग देखने को मिल जाती है, और इसमें भी आपको वाईफाई बिल्ट इन देखने को मिल जाती है, ठीक है। 8 किलो वाट तक आप लोड चला सकते हैं, यानी कि आपने 2 से 3 डेढ़ टन के इन्वर्टर एसी सोलर पे चलाने हैं, 5 से 6 पंखे चलाने हैं, लाइट, फ्रिज, सीसीटीवी कैमरे का सेटअप, यानी कि 5 से 10 मरले के घर का जितना लोड है वो सारा आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। देखिए बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिल जाती है, इसका फायदा ये होता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर दुनिया में कहीं पर भी बैठे जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर, जहां पर के सोलर से रेलिवेंट एक बहुत जबरदस्त किस्म की एग्जीबिशन लगाई गई है, और इस वक्त मैं मौजूद हूं अदनान भाई के पास, जो प्रोमेक सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस वक्त इनके पास काफी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर और मॉडल जो है वो इन्वर्टर्स के मौजूद है। तो अदनान भाई, हमें जो यहाँ पर आपने सीरीज इन्वर्टर्स की डिस्प्ले किया, इसके बारे में जरा हमारी ऑडियंस को तफसील से बताएं कि कौन कौन से इन्वर्टर में कौन कौन से फीचर है, और इस वक्त जो हमारे मोस्ट डिमांडिंग क्या चल रहे हैं, आवाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसमें हम बेस्ट उन्हें कौन सा जो नॉलेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइमेस कंपनी के बारे में बता दूं कि इस वक्त आपको पता है कि जो सोलर इन्वर्टर्स में वोल्टोनिक जो है वो सबसे टॉप पे जा रही कंपनी, जो चाइना का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उनकी आर एंड डी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनके इन्वर्टर की क्वालिटी, बोर्ड की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है, और ऑलरेडी पाकिस्तान में पिछले तकरीबन कोई 8-10 सालों से वो डिफरेंट अच्छे जो ब्रांड्स उसके अंदर उनके इन्वर्टर्स आ रहे हैं। तो प्राइमेक्स में भी ये जो गैलेक्सी सीरीज सारी वोल्टोनो की है, और वोल्टोनो के अंदर भी उनकी सबसे लेटेस्ट सीरीज वो ये गैलेक्सी सीरीज है, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 किलोवाट से लेकर 11 किलोवाट तक इन्वर्टर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमें जो बेसिक डिफरेंस है वोल्टोनिक बोर्ड का और सिंपल बोर्ड का, वो जरा बता दें ताकि जो ऑडियंस है वो समझ जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेसिकली मैंने आपको जिस तरह का बताया ना कि ये मैन्युफैक्चरर है चाइना में, और वहाँ पर ये इन्वर्टर बनाते हैं, खुद डिजाइन करते हैं, खुद इनकी आरएनडी होती है। तो उसके बाद ये कि पाकिस्तान में पिछले तकरीबन कोई 8-10 सालों से इनके इन्वर्टर्स आपको इंडक्स ब्रांड हो गया, सोलर मैक्स हो गया, मैक्स पावर हो गया, जो अच्छे ब्रांड राइबल चल रहे हैं, उनके जितने भी IP21 इन्वर्टर है मोस्टली वो वोल्टोनिक से बनते हैं, ठीक। यानी कि इन्वर्टर का वो मैन्युफैक्चरर है, बड़ा रिलायबल है, बड़े अच्छे उनके इन्वर्टर्स होते हैं, उनकी बोर्ड की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है, ठीक है। कंप्लेन की रेशियो कम होती है, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करें बाकी इन्वर्टर्स के साथ, तो बाकी इन्वर्टर्स में वो प्राइस कम करने के चक्कर में अपनी क्वालिटी के ऊपर वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ये इन्वर्टर डिस्प्ले है, इसके बारे में बताएं कि ये कौन सा इन्वर्टर है, कितने किलो वाट का है, और उसकी क्या क्या जो सब खसूसियात है। अच्छा, ये डिस्प्ले में हमारे पास लगा हुआ है, ये प्राइमेक्स में गैलेक्सी सीरीज का डुअल पीवी 11000 प्लस है, ठीक है। तो ये 8 किलो वाट का इन्वर्टर, इसमें 2 मॉडल आते हैं हमारे पास, एक आता है 1200 प्लस के नाम से, एक 11000 प्लस के नाम से आता है, ठीक है। ये 8 किलो वाट है, 12000 वाला जो 11 किलो वाट का इन्वर्टर है, और इस इन्वर्टर के अंदर आपको अगर लोड की बात करें, मैंने आपको बताया कि 8 किलो वाट तक आप लोड चला सकते हैं, यानी कि आपने 2 से 3 डेढ़ टन के इन्वर्टर एसी सोलर पे चलाने हैं, 5 से 6 पंखे चलाने हैं, लाइट, फ्रिज, सीसीटीवी कैमरे का सेटअप, यानी कि 5 से 10 मरले के घर का जितना लोड है वो सारा आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन इसकी पीवी 11000 है, जी जी। 11000 का मतलब है कि इसमें हम जो है वो 22 पैनल लगा सकते हैं, जो भी 580-590 वाट के हैं। 22 की ना तरतीब फिर खराब हो रही थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर, क्योंकि फिजिकल 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ठीक है। तो 1 MPPT कंट्रोलर के ऊपर आप मैक्सिमम 10 पैनल की सीरीज लगा सकते हैं, मतलब वो कह रहे हैं 2 स्ट्रिंग्स इसमें आएंगी आपके ऊपर से, मिन और मैक्स लोड की, वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। 2 सीरीज आपकी आएंगी, 2 डिफरेंट तरह के पैनल्स भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। कुछ अगर इसके फीचर्स की बात करें, जो कि मार्केट में आपको इस कैटेगरी के इन्वर्टर नहीं देखने को मिलते, वो ये है कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको देखें बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिल जाती है, इसका फायदा ये होता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर दुनिया में कहीं पर भी बैठे जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला फीचर ये कि इस इन्वर्टर के जरिए आप नेट मीटिंग करवा के बापडा को बिजली सेल भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ऑन ग्रिड हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड हाइब्रिड है, ठीक है, और 48 वोल्ट बैटरी में सपोर्ट करता है, विदाउट बैटरी भी चलता है, ठीक है। इसकी प्राइस क्या है? प्राइस की बात करें, इसके अंदर जो आपको 8 किलो वाट का पीवी 11000 मिलता है, वो तकरीबन आपको 3,15,000 से 3,20,000 की प्राइस में देखने को मिल जाता है, और इसी के अंदर जो 11 किलो वाट का इन्वर्टर है वो तकरीबन आपको 3,50,000 से 3,55,000 की रेंज में मार्केट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इधर आगे आ जाए तो ये भी आपने इन्वर्टर डिस्प्ले किया हुआ, ये इसकी क्या कैपेसिटी है और क्या इसकी? ये आता है प्राइमेक्स में डुअल पीवी 7000 प्लस, ठीक है। 6 किलो वाट का इन्वर्टर है, और ये भी उसी की तरह प्योर वोल्टोनो के अंदर है, और इसके अंदर भी आप जो है वो ड्यूल आउटपुट है, आपको नेट मीटिंग देखने को मिल जाती है, और इसमें भी आपको वाईफाई बिल्ट इन देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो 6 किलो वाट का इन्वर्टर है, 6 किलो वाट का मतलब है कि आपके 2 डेढ़ टन के इन्वर्टर एसी,
पांच से छह पंखे, लाइट्स, बाकी जो नॉर्मल लोड होता है वो आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे अब ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसके ऊपर हम मैक्सिमम जो लोड है वो कितना रन कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 6 किलोवाट के लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। इन्वर्टर की जो कैपेसिटी होती है वो उसके मुताबिक होती है कि अगर आपका इन्वर्टर 6 किलोवाट है तो 6 किलोवाट आप मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं, 8 किलोवाट है तो आप 8 किलोवाट उसके ऊपर मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं। ठीक है। ये ऑन ग्रिड हाइब्रिड है या सिर्फ हाइब्रिड है? ये भी बिल्कुल ऑन ग्रिड भी है, हाइब्रिड भी है, ऑफ ग्रिड भी है। ठीक, आप इसके जरिए भी सोलर पैनल से बिजली बना के घर का लोड भी चला सकते हैं, आप तक बिजली सेल भी कर सकते हैं। इसकी प्राइस रेंज क्या है? इसकी प्राइस आज की डेट में तकरीबन चल रही है 2,25,000 से 2,30,000 के आसपास। ठीक है, ओके। अगर हम आगे आ जाए तो ये भी हमारे पास एक इन्वर्टर लगा हुआ है, इसकी क्या खासियत है? अच्छा, ये जो इन्वर्टर है ये भी 6 किलोवाट, जैसे आपने ये मॉडल देखा है ये भी 6 किलोवाट है, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी सी इकोनॉमिकल आ जाती है। उसकी वजह यह कि ये जो इन्वर्टर में एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन पैरेलल किट भी मिल जाती है। ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर 12 किलोवाट का सिस्टम लगाना है हाइब्रिड, 12 के बजाय 18 लगाना है, या आपने बड़ा एक हाइब्रिड सिस्टम लगाना है, तो आपको जो बिल्ट इन पैरेलल किट है दो इन्वर्टर को आपस में पैरेलल करके आप 12 किलोवाट का सिस्टम भी बना सकते हैं। ओके, मतलब अगर आप दो सिस्टम पैरेलल में लगा रहे हैं तो देन फिर उसके लिए बेनिफिशियल वो वाला इन्वर्टर। बिल्कुल, इसमें वो पैरेलल किट नहीं है, आपने सिंपल 6 किलोवाट आपको इन्वर्टर चाहिए, और इसकी पीवी कैपेसिटी जो है ना वो 6000 प्लस है, लेकिन जो इसका अभी मॉडल आ रहा है मार्केट के अंदर उसकी पीवी कैपेसिटी कंपनी ने 7000 वाट कर दी, यानी कि आप उसके अंदर 14 पैनल तक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस रेंज क्या है? इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो आपको 1,90,000 से 1,95,000 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आगे आ जाए तो ये पीवी 5000 है, ये कितने किलोवाट का इन्वर्टर? अच्छा, ये जो इन्वर्टर ना इसके बारे में बता दूं कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाला जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा डिमांड में आने वाला इन्वर्टर कह रहे हैं आप। बिल्कुल, उसकी वजह क्या है? वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि ये पीवी 5000 प्लस है, 5000 वाट तक आप पैनल लगा सकते हैं। ठीक है। और 3.6 किलोवाट तक आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। इसके अंदर भी बिल्ट इन वाईफाई भी है, नेट मीटिंग भी है, डबल आउटपुट भी है, और जो सबसे इसकी मेन वजह है, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड में आने की, वो ये है कि ये 24 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि आप इसके साथ दो बैटरी लगा सकते हैं, काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या है? इसकी प्राइस की बात करें तकरीबन 1,50,000 के रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हम आगे आ जाए तो ये जो इन्वर्टर लगा हुआ है पीवी 3000, ये कितने किलोवाट का है? ये इन्वर्टर की बात करें तो ये पीवी 3000 है, तो इसका भी एक मॉडल जब अपग्रेड होकर आ रहा है। ठीक है, यानी कि वो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन उसकी पीवी कैपेसिटी 4000 वाट होगी, और उसमें जो एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल रहे हैं वो ये कि उसके अंदर भी आपको बिल्ट इन वाईफाई देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो भी प्योर वोल्टोनिक है, और ये इन्वर्टर भी जो है वो 24 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। दो ऐसे फीचर जो इस इन्वर्टर में नहीं है उसको और ज्यादा प्राइस इकोनॉमिकल बनाते हैं। एक तो इसके अंदर आपको डबल आउटपुट देखने को नहीं मिलती। ठीक है, सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट है। दूसरा, इसके अंदर आपको नेट मीटिंग देखने को नहीं मिलती। ठीक है, हाइब्रिड है, हर कस्टमर की जरूरत नहीं नेट मीटिंग डबल आउटपुट। जी बिल्कुल। तो प्राइमेक्स में उन्होंने एक पूरी रेंज लॉन्च कर दी है कि जिस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो अपना इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या है? इसकी प्राइस की बात करें आपको तकरीबन 1,20,000 से 1,25,000 के रेंज में मिल जाता है। इस पर लोड मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं? मैक्सिमम जैसे कि आपने बताया कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3 किलोवाट तक आप लोड डाल सकते हैं। पीवी 4000 आ रहा है, यानी कि आप 4000 वाट तक के 550-580 वाट के 8 पैनल जो है सीजन में लगा सकते हैं। इस वक्त ये जो इन्वर्टर है ये मोस्ट डिमांडिंग इन्वर्टर है, 5 किलोवाट और 3 किलोवाट के सबसे ज्यादा जो है वो लोगों का होता है कि भाई ये किस तरह हमें मिलेगा, या इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या, या इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? ये प्राइमेक्स है, इसमें वोल्ट्रॉनिक बेस्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक किट है जिसकी कंप्लेन ना होने के बराबर है, और इसकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर है।